हरियाणा भाजपा ने बयान दिया है कि अगर वो प्रदेश में सत्ता में आई तो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जमीन घोटालों के आरोपों को लेकर कार्रवाई की जाएगी। भिवानी पहुंचे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने इस दौरान हजका और इनेलो पर भी टिप्पणी की। हजका के साथ गठबंधन धर्म के पालन पर उन्होंने बात कही, लेकिन साथ ही संकेत दिए कि विधानसभा चुनावों में सीटों के बंटवारे पर भाजपा फिर से चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में भाजपा की बड़ी जीत जनता की इच्छा बयां करती है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा भाजपा प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 10 साल के कारनामों का आरोप पत्र तैयार करने वाली है। उन्होंने कहा कि हुड्डा सरकार ने पिछले 10 साल के कार्यकाल में जमीन और भर्ती घोटालों के अलावा कानून व्यवस्था भी ताक पर रखती है। भारतीय जनता पार्टी का तो वो बंदर जैसा हाल है, उसके बच्चे को सांस आना बंद हो जाता है, 6 महीने तो उसको भी चिपका के रखती है। तो भारतीय जनता पार्टी अवसरवादिता का इल्जाम बीजेपी पर नहीं लग सकता। देखिए चंद्रमोहन जी क्या बोलते हैं, अभय चौटाला क्या बोलते हैं, अब इनके बापों के साथ हमने राजनीति की है, इन बच्चों की बचकानी बातों पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। कुलदीप जी तो सुप्रीमो हैं हजका के, वो अपनी पार्टी के मालिक हैं, वो तो अपनी पार्टी के बारे में कोई निर्णय कर सकते हैं। मैं तो बीजेपी का एक 40 साल पुराना छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जो अंतिम निर्णय है गठबंधन के बारे में वो बीजेपी हाईकमांड करे। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।